हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अनदर रोमांटिक पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज को, जिसकी टाइमलाइन है 1772 टू 1834। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 21 अक्टूबर 1772, ग्रेट ब्रिटेन में इनका बर्थ हुआ। डेट ऑफ डेथ है इनकी 25 जुलाई 1834, यूनाइटेड किंगडम में इनकी डेथ हुई। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन। थियोलॉजियन मीन्स वन हु स्टडीज नेचर एज अ डिवाइन, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ थे, एंड मोर ब्रॉडली ऑफ रिलीजियस बिलीफ, कि नेचर में उनका रिलीजियस बिलीफ जो है होता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट अलॉन्ग विद विलियम वर्ड्सवर्थ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की वीडियो में भी, कि सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स वर्क जो है वो लिखा था। उस वर्क की पब्लिकेशन के साथ रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्टिंग जो है माना जाता है, दैट इज 1798। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द लेक पोएट्स। लेक पोएट्स जो है वो कौन कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये लेक पोएट्स जो ये टर्म है, ये किसने कॉइन आउट की थी? ये कॉइन आउट की थी फ्रांसिस जॉफ्री ने 1817 में। नोटेबल इनके फेमस वर्क्स जो हैं वो हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, क्रिस्टाबेल, कॉन्वर्जेशन पोएम्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है लिरिकल बैलेड्स के चारों एडिशन में ये जो पोएम है उसमें है। स्पाउस, इनकी वाइफ है सारा फ्रिकर। कॉलरिज ने जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसफी को इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर में इंट्रोड्यूस किया था। कॉलरिज कॉइंड द टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये जो टर्म है इसके बारे में मैंने अच्छे से एक वीडियो में समझाया हुआ है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। He had bipolar disorder. Bipolar disorder जो होता है वो mood swings के साथ related कोई disorder है। Was an opium addict. Opium means अफीम, कि ये अफीम खाते थे। And इन्होंने जो अपनी कुबला खान जो famous इनकी poem है वो जो लिखी है वो भी opium लेने के बाद ही लिखी है। रिज ने इंट्रोड्यूस किया क्रिस्टाबेल मीटर्स, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट एंड फुल ऑफ स्किलफुल एंड रिदमिक वेरिएशन। कॉलरिज इज ऑल्सो रेफर्ड एज हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। इनको रोमांटिक एज, क्योंकि ये एक रोमांटिक पोइट थे तो इसीलिए इनको कहा गया हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। इन्होंने एक फ्रेज यूज की द हाई रोड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज मोटिवलेस मेलाइनिटी। ये जो फ्रेज है काफी ज्यादा फेमस भी हुई है और इसके ऊपर काफी क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ये जो फ्रेज थी मोटिवलेस मेलाइनिटी, ये कॉलरिज ने यूज की विलियम शेक्सपियर का एक प्ले था ओथेलो, उसमें एक कैरेक्टर था इयागो, उसके लिए। मोटिवलेस मीन्स कि कोई, जब कोई मोटिव नहीं होता है ना। मेलाइनिटी मीन्स जेलसी या इल विल हम कह सकते हैं, किसी चीज को पाने के लिए बुरी इच्छा, नेगेटिव इच्छा हम कह सकते हैं। तो इन्होंने ये इयागो के लिए कहा। कॉलरिज रोट अ रिव्यू ऑफ एन रेडक्लिफ द मैड मॉन्क। जर्मन आइडियलिस्ट, ये एक फिलोसफिकल मूवमेंट थी जो कि जर्मनी में लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में आई थी। इस मूवमेंट के जो मेन थिंकर्स थे वो थे फ्रेडरिक शकेलर, फ्रेडरिक हेजल एटसेट्रा। कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था पेंटिसोक्रेसी, विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सम मेजर वर्क्स ऑफ कॉलरिज, फर्स्ट वन इज लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड इन 1798 अलॉन्ग विद विलियम वर्ड्सवर्थ। द स्टेट मैन्स मैनुअल और द बाइबल द बेस्ट गाइड टू पॉलिटिकल स्किल एंड फोरसाइट। इल्ले सैसमैन 1816, क्रिस्टाबेल 1816, कुबला खान अ विजन 1816, द पेन्स ऑफ स्लीप 1816, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817, एड्स टू रिफ्लेक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनले करेक्टर, कन्फेशन ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट, हिंट्स टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्रिहेंशन थियोलॉजी ऑफ थ्योरी ऑफ लाइफ 1848, सेवन लेक्चर्स अपॉन शेक्सपियर एंड मिल्टन 1850, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। एसरा पोएम्स जो है ये सारा के लिए लिखी थी। मैंने आपको बताया था ना कि सारा हचिनसन जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर इन लॉ थी, उनको कॉलरिज प्यार करते थे, तो उन्होंने सारा पोएम्स, सारा के लिए पोएम्स लिखी, बट इसको देखो तोड़ मरोड़ कर आसरा बना दिया ताकि किसी को पता ना चले। सोरियोजी एक ट्रेजिडी थी जो कि कॉलरिज ने 1797 में लिखी थी, ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। इसको परफॉर्म नहीं किया गया था क्योंकि इसको ड्रेरी लेन थिएटर के द्वारा रिजेक्शन मिली थी, तो कॉलरिज ने इसको रिवाइज्ड किया, रीकास्ट किया प्ले को 16 इयर्स के बाद। इसका न्यू टाइटल भी रखा फिर, दैट वाज रीमोर्स।
फ्रांस एंड ओड, कॉन्वर्जेशन पोइम्स टोटल इसमें 8 पोइम्स थी, रिजेक्शन एंड ओड ये एक ओरिजिनली एक वर्स लेटर था जो कि सारा हचिंसन को लिखा था, जिसको कॉलरेज बहुत ज्यादा चाहते थे। जब सारा ने कॉलरेज का प्रपोजल जो है डिनाई कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, तो उसके रिस्पॉन्ड में ये लिखी गई थी डिजेक्शन एंड ओड। क्रिटिसिज्म ऑन कॉलरेज परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश क्रिटिक्स एंड इन अ सेंस दैट लास्ट, ये इन्होंने क्रिटिसाइज किया था टीएस एलियट ने। ए डैमेज्ड आर्क एंजल ये कहा था इनको चार्ल्स लैम ने। सो दीज ऑल आर द की पॉइंट्स अबाउट सैमुअल टेलर कॉलरेज। आई होप यू लाइक इट। इफ सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।